जय हिंद। आज के वीडियो का टॉपिक हमारा है एवरेज कैसे निकाले। आप थंबनेल देखकर जान चुके होंगे कि हम आज की वीडियो में जानने वाला है कि थंबनेल कैसे निकाले 2023 में। तो आज हम जानेंगे एवरेज एवरेज कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम जान लें एवरेज का स्पेलिंग क्या होता है। तो एवरेज का स्पेलिंग होता है ए वी ई आर ए जी ई, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ए वी जी। शॉर्ट फॉर्म में ए वी जी कहते हैं, ई आर ई हटा देते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ए वी जी। जैसे पूरा नाम होता है ए वी ई आर ए जी ई एवरेज। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि एवरेज कैसे निकालते हैं। हमारा पार्ट टू वीडियो, पार्ट वन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टोटल कैसे निकालते हैं, ये पार्ट टू वीडियो में बताएंगे एवरेज कैसे निकालते हैं। तो आपके लिए मैंने शॉर्ट टर्म में वीडियो बता रहे हैं, बहुत कम समय में बता रहे हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि मतलब अगले आने वाले वीडियो में आपके टोटल एवरेज मिनिमम मैक्सिमम को सभी को एक ही वीडियो में कवरेज करने के लिए। तो हमारा पार्ट टू वीडियो, इसमें हम सिर्फ एवरेज जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो मिनिमम, उसके नेक्स्ट वीडियो में मैक्सिमम। तो आइए जानते हैं एवरेज कैसे निकाले। एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले हम इक्वल टू का चिन्ह देते हैं, इक्वल टू का चिन्ह देंगे, उसके बाद एवरेज निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एवरेज। तो एवरेज का स्पेलिंग आप जान ही चुके हैं क्या होता है, लिखेंगे ए वी ए वी ई आर ए जी ई, एवरेज लिख देंगे। उसके बाद से यहाँ पे हम शिफ्ट ओपन ब्रैकेट देंगे, ओपन ब्रैकेट देने के लिए हम शिफ्ट नाइन प्रेस करेंगे। जब शिफ्ट नाइन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक ओपन ब्रैकेट का चिन्ह इस तरह आ जाएगा। सबसे पहले इक्वल टू देंगे, एवरेज निकालने के लिए एवरेज का पूरा नाम लिख देंगे। आप चाहें तो ए भी जी लिख सकते हैं, लेकिन मैं पूरा नाम आपको समझाने के लिए लिख लिया है कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए इक्वल टू, उसके बाद एवरेज, उसके बाद से ओपन ब्रैकेट देंगे। ओपन ब्रैकेट मतलब दरवाजे खोल लेंगे, मतलब इसमें पैक करने के लिए। ओपन ब्रैकेट देने के बाद सबसे प्रथम हमें देखेंगे किसका निकालना है। सबसे प्रथम हमें संजय का निकालना है। तो यहाँ पर पाँच विषय है, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस कंप्यूटर। तो एवरेज निकालने के लिए हम पांचों विषय का चयन करते हैं, मतलब सभी विषय को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे संजय, संजय के निकालने के लिए संजय का सबसे प्रथम विषय कौन सा है, हिंदी। हिंदी के ऊपर क्या है, सी। और देखिए संजय के लेफ्ट में क्या है, थ्री। तो सबसे पहले हम क्या टाइप करेंगे, सबसे प्रथम विषय को सिलेक्ट करेंगे और सबसे लास्ट वाला विषय को। तो हम दो मेथड बताएंगे, सबसे पहले हम आपको प्रथम मेथड बताने जा रहे हैं। सबसे प्रथम विषय हिंदी, हिंदी के ऊपर है सी, या हिंदी के लेफ्ट में, इधर संजय के लेफ्ट में है थ्री। तो हम टाइप करेंगे यहाँ पे अपने कीबोर्ड से सी थ्री। उसके बाद हम अनुपात का चिन्ह दे देंगे, आप इसे दशमलव भी कहते हैं। देखिए सी थ्री अनुपात का चिन्ह देंगे। और संजय का सबसे लास्ट वाला विषय कौन सा है, कंप्यूटर। कंप्यूटर के ऊपर क्या है, जी है। इधर इधर लेफ्ट में कंप्यूटर के संजय के बगल में क्या है, लेफ्ट में क्या है, थ्री है। तो हम क्या टाइप करेंगे, जी थ्री, जी और थ्री टाइप करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे प्रथम विषय हिंदी, हिंदी के ऊपर सी है, संजय के लेफ्ट में थ्री है, तो थ्री टाइप करेंगे। सबसे लास्ट विषय वाला लेंगे, बीच वाला भी छोड़ देंगे, बीच वाला ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है। सबसे लास्ट वाला विषय क्या है, कंप्यूटर। कंप्यूटर के ऊपर क्या है, जी है। संजय का निकल, संजय के लेफ्ट में क्या है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, थ्री है। तो हम यहाँ पर भी टाइप करेंगे जी थ्री। जो हमने ओपन ब्रैकेट दिया है, इस ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे शिफ्ट जीरो के साथ। हमारा जब शिफ्ट जीरो प्रेस करेंगे तो हमारा क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा एवरेज निकल जाएगा। देखिए हम इंटर प्रेस कर रहे हैं, इंटर प्रेस करते समय हमारा एवरेज निकल गया 86.8%, जो कि संजय का टोटल एवरेज हुआ, मतलब टोटल नंबर 434 आया, जिसका एवरेज इनका 86.8 है। अब निकालने जा रहे हैं विकास का। विकास के निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इक्वल टू, किसी का भी निकालने के लिए सबसे पहले हम इक्वल टू देंगे, उसके बाद लिखेंगे एवरेज ए भी ए वी ई आर ए जी ई एवरेज लिखेंगे। इसका पूरा नाम लिख दे रहे हैं आपको समझने के लिए, इक्वल टू एवरेज। उसके बाद ओपन ब्रैकेट देंगे, शिफ्ट नाइन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। उसके बाद से देखिए इसमें हम सेकेंड मेथड आपको बताएंगे। देखिए आप चाहें तो लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, नहीं लिखने के लिए बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए हिंदी है, अब सबसे लास्ट वाला विषय क्या है, कंप्यूटर है। किसका निकालना है, विकास का। तो विकास के लिए जो हमारा कॉलम रो है, इस रो को हम इस तरह सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से लेकर या इस तरह सीधा हमें यहाँ बस लास्ट विषय तक, हमें अलग कुछ नहीं सिलेक्ट करना है, पाँच विषय सेलेक्ट करना है, जितना विषय हो। तो यहाँ पे पाँच विषय है, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस कंप्यूटर। तो हिंदी से लेकर मैंने कंप्यूटर तक सेलेक्ट कर लिया पाँच विषय। देखिए यहाँ पर भी लिखते तो क्या होता है, विकास के ऊपर आइए, विकास के सामने आइए। तो हिंदी क्या है, सी है, हिंदी के ऊपर सी है, विकास के लेफ्ट में क्या है, फोर। तो हम यहाँ पे क्या टाइप करते हैं, सी फोर, जो कि ऑटोमेटिक ले लिया। और फिर यहाँ पर सबसे लास्ट विषय कंप्यूटर है, कंप्यूटर के ऊपर क्या है, जी है। इधर विकास के लेफ्ट में क्या है, तो फोर है, तो यहाँ पर भी हो गया जी फोर। उसके बाद हम यहाँ पे अपना क्लोज ब्रैकेट दे देंगे, मैंने जो ब्रैकेट ओपन किया था उसको क्लोज कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 75। यानी जो इनका विकास, इनका टोटल, इनका एवरेज कितना हुआ, तो 75 एवरेज आया इनका। और आपको हम बताने जा रहे हैं कि इस तरह निकालेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं सबसे आसान इससे मेथड, जो हम निकाले हैं दो, उस दोनों को इस तरह खींच लेंगे। देखिए इस तरह हमारा बड़ा प्लस जो आ रहा है व्हाइट में आ रहा है, देख सकते हैं हमारा प्लस कैसे आ रहा है, तो व्हाइट में आ रहा है। लेकिन हम कोना में लेके आएंगे तो हमारा प्लस ब्लैक हो जाएगा। देखिए हमारा जब प्लस इस तरह ब्लैक हो जाए तो इसको हम पकड़ के अपने कर्सर के द्वारा स्क्रॉल कर देंगे नीचे की तरफ, जहाँ तक हो तहाँ तक। लेकिन हमारे यहाँ तक है तो हम यहाँ तक इसे स्क्रॉल करके छोड़ देंगे। ऑटोमेटिक ये सभी का निकाल दिया, राहुल पूजा प्रीति सबका ऑटोमेटिक निकाल दिया।
एवरेज इसका कितना है। तो ये रहा हमारा एवरेज निकालने का फॉर्मूला। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया कि एवरेज हम कैसे निकालते हैं। तो आज की वीडियो में आप जाना होंगे कि एवरेज कैसे निकालते हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि मिनिमम कैसे निकालते हैं, पार्ट थ्री में पार्ट फोर में बताएंगे कि मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, और पार्ट फाइव वीडियो में हम कोशिश करेंगे अब कि मतलब सभी को एक ही वीडियो में समझाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसीलिए मैं आपको एक एक बताने जा रहा हूँ कि आपको समझ में भी आएगा। आप सूत्र अवश्य याद करिएगा, और इस सूत्र को पाने के लिए आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिए हैं, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलता है। तो आशा करते हैं कि वीडियो बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।